हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और आज नए वीडियो लेकर आया हूं। वो बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। आज की वीडियो पर हम बात करेंगे माइक्रोमीटर कितने टाइप्स के हैं, उस पर हम बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी आएगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं कि माइक्रोमीटर कितने टाइप्स के हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो अगर ये हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइक्रोमीटर कितने टाइप्स के हैं और मेजरिंग हमको कैसे करना चाहिए और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है, वो चीज़ हम आज बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं माइक्रोमीटर दो टाइप्स के होते हैं। पहला माइक्रोमीटर हम डिजिटल माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं, दूसरा माइक्रोमीटर स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। तो स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन है और डिजिटल माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर का। तो डिजिटल माइक्रोमीटर में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो यू टाइप का जो सर्कल बना हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। जहाँ पे हमको रीडिंग दिखाता है उसको डिजिटल डिस्प्ले का नाम से जानते हैं। और जो यहाँ फिक्स है इसको हम एनविल के नाम से जानते हैं। जो मूव होता है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ उसको स्पेंडल के नाम से जानते हैं। ये वाला हिस्सा जहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है इसको हम स्लिप के नाम से जानते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम स्पेंडल के नाम से जानते हैं। और पीछे जो लगा हुआ है इसे हम रेचेट बोलते हैं, या तो फिक्स रेचेट बोलिए या तो रेचेट के नाम से हम इसे जानते हैं। तो फ्रेंड, चलिए फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर में भी एनविल फेस है, स्पेंडल फेस है, लॉकिंग नट है, स्लिप लगा हुआ है और थिम्बल है, और इसके बाद फ्रेम है, इसके बाद आपका रेचेट लगा हुआ है। तो हमने बात कर लिया अभी स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर का। तो चलिए स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर में कौन कौन सा माइक्रोमीटर आता है वो हम बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर में इनसाइड माइक्रोमीटर आ जाता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर आ जाता है और डीप गज माइक्रोमीटर आ जाता है। ये हुआ स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर। चलिए हम डिजिटल माइक्रोमीटर की बात करते हैं। तो डिजिटल माइक्रोमीटर में इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डीप गज माइक्रोमीटर, ये हो गया डिजिटल माइक्रोमीटर के बाद। और मेजरिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सो फ्रेंड चलिए हम आपको मेजरिंग करके बताते हैं कि हमको माइक्रोमीटर किस तरीके से पकड़ना चाहिए ताकि हमारा मेजरिंग। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आपको बताते हैं आज के बारे में। आज का जो हम वीडियो लेके आए हुए हैं, जो आज हम बात करेंगे वो हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है, उस लिस्ट काउंट हम उसको बोलते हैं जो सबसे कम मेजरिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। इसका डिजिटल माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है 0.001 mm, यानी 10 माइक्रोन भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसका हाईएस्ट डायामीटर नापने के लिए 25 mm तक हम इसका डायामीटर नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोमीटर के पूरा डिटेल्स पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं तो और बेटर रहेगा, इसके बाद हम आगे मेजरिंग करके बताएंगे। तो हम इसे एनविल के नाम से जानते हैं और इसे स्पेंडल बोलते हैं। ये हमारा यू टाइप के पूरे फ्रेम बना हुआ है, इसको हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। ये हमारा डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है और इसको हम थिम्बल बोलते हैं। ये वाली जो हिस्सा है इसको थिम्बल बोलते हैं। ये स्लिप है जिस पर यहाँ पर डॉट लाइन दिया गया है, इस पर स्लिप, हम इसको स्लिप के नाम से जानते हैं। अब इसको हम रेचेट के नाम से जानते हैं, इसको हम रेचेट बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंडल लॉक के नाम से जानते हैं। क्या किसी भी चीज़ को अगर मेजरिंग लेते हैं, वो अगर उस समय हम वहाँ पर थोड़ा रुकना है, स्टॉप करना है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। जो स्पेंडल मूव होता है अंदर और बाहर की तरफ मूव होता है उसको हम लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर अगर बाई चांस हमको स्पेंडल में अगर थोड़ा बहुत एरर आ जाए तो एरर को हम क्या करते हैं, जीरो सेटिंग करने के लिए हम बटन लगाए हुए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे पास 0.004 एरर है तो क्या करेंगे, यहाँ से जीरो कर देंगे। जीरो कर दिया, इसके बाद क्या है कि लेंगे तो अभी हमारा सही एकदम 0.0 परफेक्ट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसको 0.0 करने के लिए अगर हमको न समझ में आए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ डॉट लाइन दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, जो हमारे थिम्बल के ऊपर जो रीडिंग है यहाँ पर एकदम 0.0 लास्ट
ले जाके हम यहाँ पे टच करके दिखाएंगे। जैसे थिम्बल के ऊपर भी है, जीरो वाले लाइन मैच कर रहा है, और नीचे जो स्लिप के ऊपर भी है लाइन, वो मैच कर रहा है। दोनों आमने सामने हो जाए तो इसको हम जीरो पर सेटिंग कर देंगे। इसके बाद हम किसी भी चीज़ को मेजरिंग लेंगे तो हमारा मेजरिंग क्या आना है, एकदम परफेक्ट आएगा। तो चलिए हम मेजरिंग लेके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम माइक्रोमीटर पकड़ेंगे। तो पकड़ने का जो हमारा ये तरीका ऐसा होना चाहिए ताकि हमको मेजरिंग लेने में सबसे बेटर रहे और अच्छा रहे। पॉइंट 6.67 मैंने मिला जुला के रखी है, तो आप 7.0 का ये हमारा पत्ती है। और इस चीज़ को हम नाप लेते हैं कितना है। यानी 3.89 इसका थिकनेस है। दूसरा वाला पत्ती को हम थोड़ा मैनी ले लेते हैं, ये 3.0 का है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स।